हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहताज आइडिया। आज मैं आपको इस वीडियो में 2 से 4 साल के बच्चे के लिए पैंटी या ब्लूमर बना के बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से ये पैंटी मैं 2 से 4 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 पीस का फैब्रिक लिया है, आप चाहे तो इसे 2 पीस में ले सकते हैं। 34 इंच है और इसका लेंथ 12 इंच है। इस तरह से मैंने एक सिंगल पीस का फैब्रिक ले लिया। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से ये डबल फोल्ड है। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से। अब ये बन साइड की तरफ से हम मार्क लगाएंगे, तो नीचे से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और अंदर की तरफ हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। एक बॉक्स बना के राउंड शेप देंगे ऊपर की तरफ से और इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे साइड से ज्वाइंट कर लेंगे और ये क्रॉच एरिया है, उसे भी हम सिल लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे सिलाई लगा लिया है। साइड से भी मैंने देखिए इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ हल्का हल्का कट लगा देंगे ताकि हमारा जिस शेप में हमने सिलाई लगाया वैसे ही टर्न हो सके। तो इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे ऊपर की तरफ से इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे। जितने साइज़ का हमारा इलास्टिक रहेगा उतना ही स्पेस छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ से भी हम सेम करेंगे। जिस साइज़ का भी आप इलास्टिक लेंगे उतना ही हम इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो चलिए, मैं ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेती हूँ और थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे इसमें इलास्टिक डालने के लिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे सिलाई लगा लिया है ऊपर और नीचे दोनों की तरफ से। अब मैं इसे टर्न कर लेती हूँ। फिर मैं रेड कलर का लेस लगा दूंगी। ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाए या फिर आप नहीं भी लगा सकते हैं। तो इसे जल्दी से मैं इसे ज्वाइंट कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें लेस को अटैच कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड की तरफ से टर्न करेंगे और इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इस तरह से मैंने इलास्टिक ले लिया है। इलास्टिक अब कमर से 4 इंच छोटा इलास्टिक ले ले
कमर का राउंड शेप जितना आता है उसे 4 इंच या 6 इंच एक छोटा इलास्टिक ले सकते हैं और इस तरह से मैं इसे इसमें इलास्टिक को इंसर्ट कर दूंगी। तो चलिए मैं जल्दी से इस पर इंसर्ट करके आपको दिखाती हूँ। इलास्टिक डालने के बाद जहाँ जहाँ हमने स्पेस छोड़ा है वहाँ हम सिलाई लगा लेंगे और फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इंसर्ट कर लिया है। ये देखिए अब हमारा ये पैंटी बन के बिल्कुल रेडी है और ये 2 से 4 साल की बेबी के लिए बहुत ही इजीली आप इसे यूज़ कर सकती हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है। आप इसे किसी भी कपड़े में बना सकती हैं, कॉटन फैब्रिक या चाहे जो भी हो आप उस कपड़े में इसे बना सकती हैं। देखिए इस तरह से ये पैंटी बन के बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैंटी बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करके कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देख तो लेते हो लेकिन आप नहीं लाइक करते हो, नहीं कमेंट करते हो, नहीं सब्सक्राइब करते हो। तो 90% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। अगर आप इसे लाइक कर दोगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें अच्छा लगेगा और भी वीडियो बनाने का मन करता है।